द स्टोरीज नेम इज फरीदाबाद टू गुड़गांव. सो वेन यू गो फ्रॉम फरीदाबाद टू गुड़गांव ना, एक पीछे का रास्ता पड़ता है, पहाड़ी वाला रास्ता बोलते हैं हम लोग उसे. एक रास्ता आप दिल्ली होके जा सकते हो, वहाँ भीड़ रहती है. एक पहाड़ी वाला रास्ता है जो खाली रहता है. तो एक बार ना मेरा मुंबई से दोस्त आया हुआ था और वो प्रॉपर मुंबई का ही लड़का था, अजिंक्य नाम था उसका, प्रॉपर मुंबई का लड़का. देखिए आपने प्रॉपर साउथ मुंबई टाइप के लड़के देखे, देखिए साउथ मुंबई के लड़के नहीं होते, प्रॉपर साउथ मुंबई साउथ दिल्ली टाइप के लड़के वो नहीं होते जो एकदम यो ब्रो व्हाट्स अप मैन. देखिए थोड़े थोड़े लैंडी किस्म के लड़के होते, देखिए वो लड़के वो जो ऑटो वाले से भी इंग्लिश में बात करते हैं. देखिए ऑटो वाले से इंग्लिश बोलते, हे ब्रदर विल यू गो टू बैंड्रा विद मी, या ब्रो चल मी, या ऑटो वाला भी कह रहा भैया मेरे साथ ही जाओगे ना, विद मी क्या होता है, बैठो आराम से. और ये ऐसा था ना, हर बात पे एक्साइटेड रहता था, ये जो मेरा दोस्त था ना अजिंक्य, ये हर बात पे एक्साइटेड है, लाइफ में हर चीज पे खुश है. जैसे आपसे मिले तो मुक्का मारेगा, हे मैन व्हाट्स अप, हे हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू बडी, एंड आई एम लाइक भाई अभी तक तो लाइफ ठीक ट्रीट कर रही थी, अभी भी तीन मुक्के पड़े मेरे. ये ना पूरा ऐसा लड़का था, किसी काम से मैंने घर आया फरीदाबाद और इसको मैं लेके जा रहा हूँ फरीदाबाद से गुड़गांव पहाड़ी वाले रास्ते से. भाई चलते रास्ते में से पता नहीं क्या चुल मची, अचानक से मुझे बोलता, कह रहा ब्रो लेट्स गो टू सम पब टुडे मैन, आई वांट टू गेट ड्रंक टुनाइट ब्रो, लेट्स गो टू सम पब ब्रो, लेट्स गो टू सम बार. और मैंने कहा लेट्स गो टू बार, लेट्स गो टू बार. भाई मैंने तो गाड़ी की सीट के नीचे से बोतल निकाल दी, दिस इज पब, पब इन द कार ओनली. और आप लोग यकीन नहीं करोगे इसकी फट ही गई, क्योंकि ये है मुंबई से और मुंबई में ड्रिंक ड्राइविंग इज वेरी स्ट्रिक्ट, इट्स नॉट अलाउड. यू गाइस नो मुंबई में ड्रिंक ड्राइविंग इज नॉट अलाउड, शी इज सेइंग ऑब्वियसली, आई मीन इट्स नॉट अलाउड इन दिल्ली एनसीआर ऑल्सो, बट ओवर देयर इट मेनली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स. मतलब हमारे यहाँ का फॉर्मल कल्चर नहीं है, इट्स एन इनफॉर्मल कल्चर. चलती गाड़ी में शराब पीना दिल्ली एनसीआर का इनफॉर्मल कल्चर है. इनफॉर्मल कल्चर मतलब को मतलब कल को आपको ये चीज 26 जनवरी की परेड में नहीं दिखाएंगे. 26 जनवरी की परेड पे हर स्टेट का कल्चर दिखाते हैं ना, दिखाते नहीं दिखाते, उसमें नहीं दिखाएंगे. ये आई दिल्ली की झांकी, इसमें रॉयल स्टैग की बोतलें उछल रही है, ये आई दिल्ली की तरफ से राष्ट्रपति को तीन भुजिया की सलामी, अरे ये दिल्ली की झांकी में लोग एक दूसरे को मार क्यों रहे थे. फिर इनफॉर्मल कल्चर ऑफ दिल्ली एनसीआर. और यार मैं पहले चलती गाड़ी में नहीं पीता था यार, मुझे आदत लगी, वो मेरा दोस्त है गौरव गुप्ता उसके चक्कर में, पता है गौरव गुप्ता बनिया कॉमेडियन नहीं है वो, हाँ भाई वो बिना शराब के गाड़ी नहीं चलाता यार. एक बार मैंने उसकी वाइफ को बोला, मेरे को तुम्हारा पति रोश पी के चला रहा है, कहीं कौन ही अच्छी चलाएगा. और कैसे आदत लगी, 3-4 साल पुरानी बात है, हम लोग हॉस क्लास में घूम रहे थे, मैं बिया डाल रहा था क्लास में और गुप्ता गाड़ी चला रहा था, भाई पुलिस वाले दिख गए. और जैसे आपको पुलिस दिखती है आप कहते छुपाओ भाई छुपाओ, मैं छुपा रहा हूँ, गुप्ता कह रहा डरा नहीं है मैं देख लूंगा. भाई कैसे देख, कह रहा है मेरी चलती है मैं देख लूंगा टेंशन मत ले. तो इज ऑल्सो डेंटिस्ट, उसके पास अपने डेंटिस्ट का कार्ड बना हुआ है एसोसिएशन का. तो मुझे लगा शायद कुछ होगी, इन लोगों की जान पहचान वगैरह होती होगी, हमें क्या पता. भाई पुलिस वाले ने खिड़की खुलवाई, पुलिस वाला पूछ रहा भैया क्या चल रहा है गाड़ी के अंदर ये. अब मुझे लगा गुप्ता कुछ चौड़ा होकर जवाब देगा, कुछ अग्रेशन दिखाएगा, वो डेंटिस्ट होगी डॉक्टर की जान पहचान दिखाएगा. भाई ये रो दिया, इतना बड़ा आदमी आवाज़ सुन रहा हूँ, अपना डेंटिस्ट कार्ड वाले कह रहा भाई साहब 3 दिन से हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, हमारी हालत खराब जाती है, इतने पेशेंट है देश के अंदर, हमको भी कभी कभी रिलैक्स करना होता है. अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो डॉक्टर कपूर से पूछ लो. भाई मेरे दोनों हाथ में बियर, मुंह में आलू भुजिया, मैं कहा डॉक्टर कपूर, मैं कहा भाई स्कूल में कॉमर्स विद हिंदी ली थी मैंने, डॉक्टर कपूर वहां से बोल रहे हैं. तो वहां से पुलिस वाले ने छोड़ दिया और मुझे भी थोड़ी आदत लग गई कि ठीक है इट्स डूएबल. कट टू दिस डे, मुंबई वाले दोस्त के साथ में जा रहा हूँ फरीदाबाद से गुड़गांव अजिंक्य के साथ, चलते रास्ते में चुल मची, मैंने बोतल निकाली इसकी फट गई, इसने मेरे से बोतल खींच के छुपा दी, कह रहा ब्रो आर यू फकिंग किडिंग मी ब्रो, आर यू गोना ड्रिंक इन द मूविंग कार, मैं कहा या ब्रो, बट टुडे इन द कार ओनली मैं हूं, कह रहा ब्रो बट इज इट लीगल, मैंने बोला लीगल.
लो लीगल और इलीगल। लीगल लीगल कह रहा ब्रो व्हाट अबाउट पुलिस। मैं कहा तू 5 मिनट रुक तो सही, किसी गाड़ी पुलिस भी पीती दिखाई दी जाएगी क्या? व्हाट एवरीबॉडी ड्रिंक्स टुगेदर, इट्स अ कम्युनिटी एंड देन वी अब्यूज सोबर पीपल ऑन द रोड। सच बता रहा हूँ, अगर आप दिल्ली NCR में रात को बिना शराब पिए गाड़ी चला रहे हो तो आपकी ज्यादा फटी पड़ी होगी, आपको साइड से दूसरी गाड़ी ओवरटेक करेगी, आप हटोगे हटो बैठो शराबी आ गए, और जो पी के चला रहा सड़क के बीच में गाड़ी रोको वही मूत्र होता एकदम। अरे बैन मुद्दूंगा मुद्दूंगा भाई, मैंने एक बार बंदा देखा खुद की गाड़ी के अंदर मूत्र खाया, आई आई अभी आया तुम्हारा अगली लाइन पे निकलेगा। मैंने उसे बोल दिया, मेरे को भैया क्या कर रहे हो, मुत्ते मुत्ते घूम गया यार। कुछ फोटो है ना अपनी आंखों में रह जाती है। जब मैं जोक करता हूँ मेरे को बूमरैंग याद आता है। और मुझे पता चला अगर इंसान मूतते हो यहां घूमे तो मुंह इस तरफ जाता है। तो उसने मेरे से बोला मुंबई वाले ने, अजिंक्य ने बोला, कह रहा ब्रो इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट लेट्स ट्राई दिस, कह रहा व्हाट अबाउट ग्लासेस एंड ऑल, आई वांट टू ईट समथिंग। मैं कहा तू ये डैशबोर्ड खोल तो सही, इसमें होटल चचा मिनी बार बना हुआ है, मेरे गाड़ी के पेपर 3 साल पहले खो चुके हैं, पर उसमें ग्लासेस निकले, भुजिया का पैकेट निकला ऊपर रबड़ लगा हुआ, 2 उबले अंडे भी निकले, मुझे खुद नहीं पता उबले अंडे कहाँ से। मेरा भाई जिम जाता उसने छोड़ दिया उसके अंदर वहाँ पे। भाई अब इसके साथ कितने लोगों ने चलती गाड़ी में पिया, हाथ ऊपर करो। अरे वाह आज लग रहा नॉर्थ की ऑडियंस आई है थोड़ी, इतने हाथ कैसे उड़ते, मुंबई में तो 4 हाथ आते हैं और दिल्ली में 4 हाथ ही नीचे रहते हैं बस। पर जितने लोगों ने पिया आपको पता ना थोड़ा तेज चढ़ती है, पता नहीं पता जब मुंह पे ठंडी हवा लगती है ना तो बंदा रॉकेट की तरह भंड होता है। अब भाई ये बात मुझे पता है, अजिंक्य को नहीं पता है, इसको कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। ये भाई 1.5 पैग में पूरा ही भंड, इसके सारे कुत्ते फेल, ये खिड़की खोल के बाहर चला गया। अरे ब्रो पटाखा गुड्डी ब्रो, ब्रो दिस फरीदाबाद इज हेवन मैन, आई एम नेवर गोना गो बैक टू मुंबई ब्रो। और भाई मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा, दूसरे हाथ से गांड से पकड़ के बैठा हूं। मैं कहा भूतनी के गिर मत जाइयो, एम्बुलेंस नहीं आती सड़क पे। भाई मैंने अंदर खींचने के लिए ऐसे खींचा भाई, इसकी जींस हल्की नीचे हो गई यार, भाई मेरा दिमाग ही खराब हो गया यार, मैंने कहा मेरी किस्मत ये सब देखना क्यों लगा यार, भाई पूरी दारू झटकी से उतरी बैठ रहा है। एकदम ऐसे देखा भाई गंदा, एकदम ऐसे लगा बॉर्डर दिख गया भाई बॉर्डर। और आपको पता नहीं चला जो मैंने देखा भाई, लड़कियों को ठीक हो लड़कों का इतना गंदा होता था भाई, भाई वहां ना बालों के भंवर बन रखे भंवर, वैसे इसके बाल स्ट्रेट थे, यही बोला क्यों आ गई, मेरा दिमाग से खराब हो गया, मैंने इसे अंदर खींच के बिठा दिया नीचे, पर ये खिड़की के बाहर मुंह निकाल के बैठा हुआ है और मुझे कह रहा ब्रो Are we going to Manali today? Because I can see a mountain. मैं कहा भाई कूड़े का पहाड़ है वो। नहीं सच में भाई, when you go from फरीदाबाद to गुड़गांव ना रास्ते में कूड़े का पहाड़ पड़ता है, और आपको बता रहा हूँ किसी को बताना मत, हो रहा शाम को 5 बजे उसके पीछे सनसेट होता है। हाँ ये ग्रीस प्राग जाने की कोई जरूरत नहीं, उधर आ जाओ फरीदाबाद कूड़े के सामने, वहीं बियर खोलना टक मजा आ रहा है, बस खिड़की मत खोलना, खिड़की खोल दिया आया क्या ये। तो लगाए इसने दो बैग मैंने लगाए, बैठ गया सेटल हो गया थोड़ा ये गाड़ी के अंदर, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पंजाबी गाने लगा दिए मैंने, नेहा भसीन वाले सुने, नेहा भसीन गाने सुने आपने, सुने चिट्टा कुकड़ बन की अक तेरी अख काश, सुने आपने, पता नहीं यार मेरा 2 पैग लगाते ही लेडी संगीत निकल आता है, एक मेरे को लगता है ढोलक और चम्मच टक 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 टक। भाई पूरी गाड़ी में वाइब्स, पूरी प्रॉपर वाइब्स बनी हुई है गाड़ी के अंदर, गाड़ी चल रही फरीदाबाद से गुड़गांव, सब कुछ अच्छा है भाई। साइड से ना एक स्विफ्ट गाड़ी आई, और स्विफ्ट में था ना भाई एक पता है इस लाफ पे क्या कमेंट आएगा यूट्यूब पे, देयर इज ऑलवेज दिस वन साइको कॉल इन द ऑडियंस हु इज लाफिंग ऑन एवरीथिंग एंड एनीथिंग, इट्स ओके एंजॉय द शो।
साइड से ना एक स्विफ्ट गाड़ी आई और स्विफ्ट में से एक बंदा मुझे घूर रहा और घूरे जा रहा 10-12 सेकंड तक एकदम मेरे पैरेलल गाड़ी चला रहा है वो और मुझे घूरे जा रहा ऐसे। तो मुझे लगा शायद भैया अकेले पड़ गए पीने में, मुझे ऐसे लगे हम दो लोग हैं वो अकेले बेचारे अकेले पड़ गया पीने में। सर मैंने अपना ग्लास उठा के बोल दिया, मैंने कहा भैया चीयर्स। भाई उसने मुझे ऐसे घूरा और अचानक से बोला कर भाई गाड़ी लगाइए साइड में जरा। हाँ भाई एकदम खड़ी हरियाणा में बोला गाड़ी लगाइए साइड में, मतलब गाड़ी लगा साइड में। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा भाई, भाई मेरी तो हल्की लुप लुप हो गई। यू गाइस नो लुप लुप, इवन इफ यू डू नॉट नो यू अंडरस्टूड राइट, समथिंग रॉन्ग हैपेंड विद मी यू नो सडनली लोग है ये क्या, क्योंकि मुझे दिख रहा है यार वो बंदा इतना लंबा चौड़ा तगड़ा सा आदमी है, खाली सड़क पर बोल रहा गाड़ी लगाई साइड में, इतना लंबा चौड़ा बंदा है हल्का झुक के गाड़ी चला रहा भाई, और मेरे ऊपर इतना गैप पड़ा यार। और हमारे दिल्ली एनसीआर में क्या चलता है ना, कोई अगर आपसे हरियाणवी एक्सेंट में बात करे तो आपको भी थोड़ा हरियाणवी एक्सेंट में रिप्लाई करना होता है ताकि सामने वाले को लगे कि आपके अंदर भी ताकत है। और भाई मुझे हरियाणवी आती नहीं, तो जैसे उसने मेरे से बोला ना गाड़ी लगाइए साइड में, भाई मैंने अपने अंदर की सारी हरियाणवी इकट्ठी करी और एकदम चौड़े होके बोला के हुआ। और यार जैसे मैंने बोला ना के हुआ, यार वो बंदा मुझे देखते हंस दिया यार, कह रहा के हुआ, कह रहा सारे गाड़ी लगा साइड में ना तेरी गेंद में पिस्टल लगा दूंगा। भाई उसने बंदूक निकाल दी और मेरी दारू ऐसे उतरी है। मैं कहा भैया पिस्टल और वो भी गेंद पे, मैं कहा भैया मेरी पिस्टल वही फट ली थी, आप मेरी गेंद पे क्यों लगा रहे हो, आप सोच रहे हो भाई ये मेरे को लूटने नहीं आया, अगर मेरे को लूटने आता मेरी छाती बंदूक लगाता ना, छाती बंदूक लगाता लगाता मेरी कनबटी पे बंदूक लगाता, ये किसकी फैंटेसी है गेंद पे पिस्टल, ये शौक किसके हैं। इन जनरल इफ यू ऑल थिंक ऑफ गेंद पे पिस्टल एज अ टास्क, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, द होल टास्क इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट, क्योंकि मेरे पास जीप है इसके पास स्विफ्ट है, इसको पहले गाड़ी ओवरटेक करनी है, फिर ये गाड़ी रोकेगा, फिर निकलेगा, फिर घूम के मेरी तरफ आएगा, फिर मुझे बाहर निकालेगा, फिर मेरे पीछे जाएगा और फिर लगाएगा पिस्टल, लग गई तेरी गेंद पे पिस्टल। और मुझे क्या पता पीछे से कौन सी पिस्टल लगा रहा है यार। और ये इतना लंबा बंदा जैसे ही लगे बोलेगा लग गई पिस्टल, भैया नहीं भैया टेल बोन है तो गलत जगह लगी है पिस्टल। सोच रहे हो आप, नहीं अभी भी आपको समझ नहीं आया कितनी टफ सिचुएशन है। जैसे कि कैसे बताओ भाई आपका नाम क्या हुआ? ईशांत। भाई नथिंग अगेंस्ट यू, जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मान लो ईशांत भाई आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, ठीक है, और रास्ते में कोई आपके लगा दे, ईशांत योर फर्स्ट रिएक्शन वुड बी टू जस्ट क्लेंच इट, मेक अनदर बैरियर, किवाड़ बंद करो। भले ही वो बंदा गोली ना ही मारे, बस ईशान भाई एक बार लगा करके ऐसे कर दे ऐसे, ये तो और गंदा यार, ये तो गोली मारने से गंदा यार, इससे तो भैया ट्रिगर दबा दो, भैया मुझे ठंडा ठंडा लग रहा, हटाओ ठंडा लग रहा, नहीं हटाओ उसे, आपकी एक सेकंड में अपने आप चोटी खुल जाएगी, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो बंदूक है लगाएगा फुर जाएगा। इस सिचुएशन में सोच रहा हूं, इस सिचुएशन में किसी की भी फट जाएगी, किसी की भी फटेगी सिचुएशन में, और इस सिचुएशन में ये अजिंक्य ये मेरे से इंग्लिश में बात कर रहा है, वी आर अंडर अटैक। देयर इज एन एम्बुश गोइंग ऑन एंड दिस गाय कैन ब्रो Ask him, why is he not wearing seat belt? Naga bhai, is that our concern right now? That he is not wearing seat belt? Naga bhai, aapko gun nahi dikh rahi wahan?
Okay, then ask him. Why is he showing his gun? Ask him. Maga, I don't think he's in mood for conversation. This is not Twitter. This is the real place. And I think, as far as I understand, this is the real gun. No, but still, we need to know. Why is he showing his gun? Maga, le tu puch le aaja. Maga, tu iska interview le aaja. Puch. Puch, give me 5 reasons why I look pistol here. मैं भाग गया भाई, मैं टोल टाल तोड़ के, एक तो भाई मैं टोल पे पहुंचा, मेरे फास्ट टैग में बैलेंस ही नहीं यार भाई। मैंने उसे बोला, मैंने कहा भैया दरवाजा खोलो, मैंने कहा भैया बंदा बंदूक लेके पीछे खड़ा है, कह रहा है रोज का चलो पैसा था यहाँ पे। मैं भागा भाई टोल टाल तोड़ के भागा, इतनी देर में इसके और चढ़ गई है मुंबई वाले की अजिंक्य के, और चढ़ गई फिर बाहर चढ़ गया वो। मैं कहा साढ़े अंदर आजा, हेडशॉट आएगा सर पे भाई। मैंने से अंदर खींचा, ये अलग जोन में है, कह रहा ब्रो दिस इज अमेजिंग ब्रो, this is like real authentic Delhi NCR. We are running away, somebody is chasing us, there are guns involved, woohoo. Isko lag raha hai ye situation maine iske liye create kari hai taki bhai apne NCR enjoy karke jaye. Bhai maine se ignore kara, main gaadi bhagata raha. Aur sir aapse jhoot kya bolna, Gurgaon se na thoda pehle is bande ne gaadi overtake karke rok di, ye swift wale ne na gaadi overtake karke rok di bhai. Aur bhai main to thanda pad gaya ekdam, मैं कांपना शुरू हो गया यार, क्योंकि किसी बंदे ने बंदूक दिखा रखी उसने गाड़ी रोक दी यार। और उस टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही थॉट आए यार। मैंने कहा या तो आज गए, मैं कहा या फिर वही होगा जो उसने बोला है। तो देखो अब आप तो अपने ही बंदे हो, आपसे सच झूठ क्या बोलना, सच बोलता हूँ भाई। मैंने तो अपने आप को साइकोलॉजिकली इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, जो भी है मौत से तो बेहतर ही है, क्या पता इतना बुरा ना भी लगे। मे बी आई विल डिस्कवर समथिंग न्यू अबाउट माई सेलफोन। भाई मैं तो पूरे वो वाले जोन में चला गया यार, और मेरी इतनी फटरी, मैं क्या बताऊं आपको कांप रहा हूं मैं। तभी मुझे अपनी गाड़ी में साइड से दूसरी आवाज सुनाई थी, कह रहा तुझे महिला मजे मित्र का बंदूक दाखो तो। मैंने कहा यह कोई लिंग्विस्टिक स्किल दिखाने की जगह, गुड़गांव में मराठी किसको समझ आ रही है भाई। मैंने गुस्से में इसकी तरफ देखा तो इसके हाथ में एक बंदूक, इसने ऐसे करके उस गाड़ी की तरफ हवा में गोली मार दी, वो बंदा गाड़ी लेके भाग गया और मेरी पूरी ही फट गई। मुझे लगा मैं कोई हरियाणवी मराठी गैंग वॉर में तो नहीं फंस गया। उसके बाद मैं इससे पूछ रहा हूं, मैंने कहा ब्रो आर यू फकिंग किडिंग मी, इज इट लाइक लीगल और इलीगल, दिस इज लीगल इलीगल लीगल। भाई इस सिचुएशन का 10 मिनट तो मैं सुननी हो गया, सुन एकदम ऐसे कान में कुं जोन आउट होकर गाड़ी चला रहा हूं, ये क्या हो गया अचानक से। और दिस गाय वाज सो चिल लाइक इट डज इट एवरी डे, दिस गाय इसने अपनी गन ऐसे नीचे रखी वापस पैक लगाना शुरू, और मैं 10 मिनट तो सोच रहा हूँ ये क्या हुआ क्या भाई, मैं उसके पैर में पड़ गया पता है। मैंने भाई थैंक यू तूने जिंदा बचा लिया भाई, वरना मरी गए थे आज, ऐसा लगा भाई कसम से ऐसा लगा, मैंने थैंक यू भाई तूने जिंदा बचा लिया। बट माय इमीडिएट सेकंड क्वेश्चन वाज कि इसके पास कहाँ से गन आ गई। नहीं ही इज नॉट अ ग्रेट फ्रेंड बट आई हैव नोन दिस गाय फॉर थ्री इयर्स एंड सडनली दिस गाय हैज अ गन इन माय कार, और उसने तो दिखाई थी इसने तो चलाई है भाई। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पहला थॉट पता क्या है, हिंदी पिक्चरों वाला, कि कहीं मैं वो तो नहीं बनूंगा जो बंदा गलती से क्राइम सीन देख लेता है और अब अगला नंबर उसी का होता है। कुछ नहीं भाई, मैं 10 मिनट तक गाड़ी चला रहा हूँ, कोई बात नहीं हुई, ऑकवर्ड सा सीन है पूरी गाड़ी के अंदर, ये पी रहा है इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो मैंने से पूछा बारटेंडर के, मैंने कहा ब्रो मे आई आस्क अ क्वेश्चन इफ यू डू नॉट माइंड, इफ एट ऑल यू आर कंफर्टेबल मे आई प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। कुछ बोला नहीं, मैंने कहा ब्रो आपके पास यह शस्त्र कहाँ से आए। मैंने कहा ब्रो ये कहाँ से लाया, मैंने पहली बार पता है इसे ऐसे देखा, इसने पैक नीचे करा, मेरी आंखों में घूरा, कहता है वेपन लीगल है, मैं एक एजेंसी में काम करता हूँ, ज़रूरत पड़ी मुझे निकालना पड़ा, और ये बात किसी को बतानी नहीं है। मैं कहा अब तो गन हमारी गाड़ी में, दो दो पैक और लगाएंगे, चल गुड़गा। मैंने नहीं पूछा उसके बाद, मेरी हिम्मत नहीं पूछने की कि किस एजेंसी में काम करता है, सरकारी है नहीं है क्या करता है, मैंने कुछ भी नहीं पूछा, इतनी हिम्मत ही थी मेरे अंदर।
पर आधे घंटे थोड़ा ऑकवर्ड था बहुत, फिर हम चल रहे गुड़गांव में नॉर्मल पुरानी बातों पे आ गए, दो दो बैग तीन दिन में और लगा लिए। फिर भाई मेरे अंदर एक और चुल मची, थोड़ी चढ़ गई तो वापस कंफर्टेबल हो गई, पता नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पर मैं हो गया। मेरे को सामने गन दिख रही थी, मैंने इससे बोला, मैंने कहा ब्रो यार एक बार गन दिखा दे यार। मैंने कभी गन नहीं पकड़ी थी यार, मेरे अंदर चुल मची, मैंने पकड़ के देख दो लगती कैसी गन, पकड़ के देखो कि सही। तो मैंने इसे बोला बड़ा शर्मा शर्मा, एक बार दिखा दे बस पकड़ के देखना, लगती कैसी गन। भाई बहुत कन्विंस करने के बाद उसने उसकी गोली निकाल के मुझे गन दिखाई, पता मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम गन पकड़ी गुड़गांव में। और फिर ना मैंने वो गन खिड़की के बाहर निकाल दी और पीछे से ना एक वैगन आ रही थी, एक बेचारा आदमी ऑफिस से घर जा रहा था। मैं कहा साले भाग जाना, तेरी गेड़ में पिस्टल लगा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, यह आकाशवाणी मेरी तरफ से ही हो रही है, मैं गौरव कपूर इस वीडियो का रचयिता। अगर आपको यह जोक पसंद आया तो कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और उसके अलावा अब मैं टूर प्रमोशन करूंगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा, इंडिया टूर मार्च टू मई 2023, काफ़ी सारी सिटीज़ है और सिटीज़ के अंदर ऐड करेंगे। ऑस्ट्रेलिया टूर मई 2023, आई विल बी डूइंग दिस टूर विद गौरव गुप्ता, एंड यूके एंड आयरलैंड टूर इज़ इन जुलाई 2023, उसके टिकट बहुत जल्दी लाइव हो जाएंगे। बाकी अगर आप ये वीडियो दिसंबर 2060 में देख रहे हैं तो प्लीज़ इंस्टा पे जाके चेक कीजिए, शायद कोई शो पड़ा हो, अगर मैं हूँ। नमस्कार।